हाय दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज के वीडियो में फिर एसएससी जीडी कैंडिडेट के लिए ही लेकर आए हैं। अगर आप एसएससी जीडी कैंडिडेट नहीं हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे स्क्राइब करके छोड़ दीजिए, ठीक है? अगर आप एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, इसमें हमारी मेडिकल कब होगा, मेन मेरिट का कट ऑफ कितना जाएगा और ज्वाइनिंग कब तक होगा, इन सभी बातों को हम इसमें बताए हैं, ठीक। और आपका क्या कहना है मेरे दोस्तों, जो आपका भी डाउट हो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे और हम आपका जवाब दे देंगे। और इस वीडियो में भी यही किया है कि जो पिछले वीडियो पे कमेंट में पूछे हैं जो दोस्तों, उनका डाउट क्लियर किया है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्त, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो देखिए, ये पहला कमेंट किए हैं नीरज सिंह रावत जी, ये पूछे हैं कि सर री मेडिकल होगा या नहीं होगा। अब देखिए, री मेडिकल होगा जब तक आपका लॉकडाउन नहीं टूटेगा सुचारू रूप से, बसें ट्रेनें चालू नहीं होगी तब तक आपका री मेडिकल नहीं होगा, ठीक। और ये रह गया बात कि होगा कि नहीं होगा, जब लॉकडाउन टूट जाएगा तो होगा, ये नहीं होगा कि आपका नहीं होगा, ठीक है, देर होगा लेकिन होगा। मनोज यादव जी पूछे हैं कि हेलो सर, हमें हाइपरटेंशन ऑफ लेफ्ट एल्बो जॉइंट, मतलब कि जो टेढ़ापन होता है केहनी में, जिसे कह लीजिए केहनी कह लीजिए, में री मेडिकल मिला है, कितना परसेंट चांस है पास होने का? जी देखिए दोस्तों, इसमें हम अगर बता दें आपको तो चांसेस तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन आगे आपका किस्मत, ठीक है। पिछले साल इसमें बहुत कम लड़के फिट हुए थे। और देखिए आगे, पंकज कुमार जी, सर मैं सीजी मतलब छत्तीसगढ़ से नक्सल एरिया एसटी से, मेरा मार्क 54.41 है, मेरिट में कितना चांस है? जी दोस्त, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का नक्सल एरिया का कितना कट ऑफ गया है, लेकिन अगर आपका एक नंबर भी अधिक होगा ना तो आप सेफ हैं, ठीक है पंकज कुमार जी। और देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देखने में भुला जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, नीरज सिंह रावत जी, सर री मेडिकल होगा या नहीं? देखिए फिर वही दोबारा आ गया है। देखिए ये हैं आगे, विधान धीवर जी ये कह रहे हैं कि सर हेमोरोहिड्स में फिट होता है, अरेमी में 4 मंथ हुआ है सर्जरी का। देखिए 4 मंथ सर्जरी का हुआ है, तो हम आपको बता दें कि अगर आप किसी प्रकार से जो पॉइंट का कागज़ दिया है फिट करा करके, उसमें सर्जरी का नाम ले लिया होंगे तो वो लोग फिट नहीं करेंगे, ठीक। अगर ऐसे ही नॉर्मली उस पर लिखवा करके भेज दिए गए होंगे, फिट लिख करके, नॉर्मल पोजीशन लिख करके, तो आप फिट हो सकते हैं, अगर उन्हें समझ में नहीं आएगा तो। और उसके बाद से रूपम राय जी हैं, सर मैं असम से बिलोंग करता हूं, मुझे फिमोसिस में री मेडिकल दिए गए हैं, फिमोसिस एक बीमारी है, अब फिमोसिस पूरा ठीक हो गया है, री मेडिकल में फिट होने का चांस है ना मेरा? जी दोस्त, फिमोसिस में आप अगर पॉइंट फिट हो गए हैं, यहाँ से मतलब आपको एकदम मतलब कंफर्म है कि मेरा पॉइंट नहीं है इसमें, तो आप फिट हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात, अगर आप उस पॉइंट में फिट हैं जो जिसमें री मेडिकल मिला था, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये हैं देखिए, ये असम से हूँ, ओबीसी कटअप से 2 मार्क ज़्यादा है, मिलेगा कि नहीं सर, प्लीज़ रिप्लाई। जी देखिए, चांस आपका मिलेगा, ठीक, 2 मार्क ज़्यादा हैं तो चांस आपका बनता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा चांस। सचिन कुमार जी हैं, सर मैं एससी से यूपी जनरल डिस्ट्रिक्ट से, मेरा मेडिकल कटअप से 1.2 नंबर ज़्यादा हैं, क्या चांस हैं? जी दोस्त, आपका चांस है, और हम कटअप पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं दोस्त, जाकर के वहाँ पर देख लीजिए। प्रभास राय जी हैं, सर मैं असम से हूँ ओबीसी से, मेरा नंबर 42.17 है, कटअप गया है 41.63। जी दोस्त, मेरा सलेक्शन हो पाएगा? जी आपको मतलब कि जैसे होता है ना, पीला में वेटिंग में होता है कि हो जाएगा भी नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, बी पॉजिटिव, अपने मन को कभी निगेटिव में मत लाइए, पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंस मोर्म जी हैं, सर वैरिकोसेल में पास होंगे क्यों? जी दोस्त, वैरिकोसेल में पास हो जाएंगे अगर वो पॉइंट ठीक है आपका तो, ठीक। अगर आगे बात करते हैं तो देखिए, ये भारती गुड्डू जी हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार स्टेट नक्सल डिस्ट्रिक्ट एससी कैटेगरी कट ऑफ कितना बढ़ेगा सर? देखिए बिहार स्टेट का हम अगर बात करें ना, तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट का पिछले बार तो कहीं पे 6 नंबर 7 नंबर बढ़ा था किसी कैटेगरी में, किसी कैटेगरी में 3-4, कहीं कहीं तो 9 नंबर भी बढ़ा गया था किसी कैटेगरी में, नक्सल डिस्ट्रिक्ट का ही बिहार स्टेट की बात करें, लेकिन इस बार नहीं जाने वाला है ज़्यादा नंबर, हद से हद 2 नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, या वो भी नहीं बढ़ेगा, ठीक।
ये ऋषि यादव जी हैं। सर जी, मेडिकल में नौकरी में कितने प्रतिशत लड़के पास होते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। जी देखिए, नौकरी में बहुत ऐसा बात हुआ है ना कि नौकरी उनका है भी नहीं तो भी उनको अनफिट कर दिया है, तो वो लोग फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वो लोग फिट नहीं हो पाएंगे। अगर एक्सरसाइज करते रहिए, हो सकता है किस्मत साथ दे दे दोस्त। ठीक है, कृष्णा ओरम जी हैं। सर, मैं झारखंड नक्सल एसटी हैं, कट ऑफ 3.96 ज़्यादा है। जी, आपको चांस बनता है, सीआरपीएफ डालें, सीआरपीएफ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सुभाजित मंडल जी हैं, ये कहें कि सर, मेरे वेस्ट बंगाल की बॉर्डर से ओबीसी डीएमई कट ऑफ से 6.3 नंबर ज़्यादा है, चांस है, प्लीज़ रिप्लाई। जी दोस्तों, 6.3 नंबर ज़्यादा है ना तो आपका चांस है, कोई नहीं रोक सकता है आपका। ठीक, और आगे हम बात करते हैं। तो मनोज हांसडा जी कमेंट किया है कि मेरा कट ऑफ सिर्फ 3.54 ज़्यादा है और मेरा झारखंड नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कट ऑफ से कैटेगरी एसटी, तो मेरा, जी दोस्तों देखिए, 3.54 ज़्यादा है ना, आप किसी भी कैटेगरी में होंगे, झारखंड से है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से, तो आपका चांस है, फुल चांस है। गौतम कुमार महतो, नक्सल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी, अब किस स्टेट का नक्सल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी का आप पूछ रहे हैं, पूरा कमेंट कीजिए। देखिए, ये झारखंड से दो बार में पूछे हैं, 7 नंबर ज़्यादा है। जी, 7 नंबर ज़्यादा है तो आप एकदम सेफ हैं, ग्रीन जोन जिसे कहते हैं ना, ग्रीन जोन जैसे हैं आप। नवजीत कम्बोज जी, सर मैं पंजाब से हूँ, ओबीसी कैटेगरी हैं, बॉर्डर एरिया से हूँ, मेरे कट ऑफ से 5.40 नंबर ज़्यादा है, मेडिकल फिट हूँ, क्या मेरा फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा। जी दोस्त, आपका 5.40 नंबर ज़्यादा है ना, फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राम राम।